दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। विठल मंदिर में दान किए नकली गहनों के मामले की गहनता से पुलिस जांच पड़ताल करे, यह मांग बुधवार को हिंदू जनजागृति समिति की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंप कर की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि श्री क्षेत्र पंढरपुर के विठल रुक्मिणी मंदिर में बोरा भरकर नकली गहने प्राप्त हुए, ये जानकारी मंदिर अधिकारी ने घोषित की है, जिसकी पूरी जांच कराई जाए। तुआ व सोयाबीन की उपज किसानों ने तैयार कर अब अकोला मंडी में बिक्री के लिए लाना शुरू कर दिया है। अकोला कृषि मंडी में तुआ व सोयाबीन उपज के साथ साथ अन्य उपज की आवक हो रही है। बुधवार 22 फरवरी को मंडी में कपास, गेहूं लोकल, तुआ, चना, काबुली चना उपज में से सबसे अधिक सोयाबीन की 5,795 क्विंटल आवक रही है। स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता राजू शेट्टी ने बुधवार को संपूर्ण प्रदेश में किसानों की विभिन्न मांगों के लिए चक्का जाम आंदोलन करने का आह्वान किया था, जिसके तहत स्वाभिमानी किसान संगठन के अकोला जिलाध्यक्ष गणेश खुमकर के नेतृत्व में निम्बा फाटा पर किसानों ने चक्का जाम आंदोलन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्र में समाज सेवा के अनेक उपक्रम चलाने वाली विख्यात संस्था रोटरी क्लब के अकोला पूर्व शाखा एवं रोटरी फाउंडेशन की ओर से गंभीर मरीजों को डायलिसिस करने डायलिसिस यंत्रों का लोकार्पण 17 फरवरी को संपन्न हुआ। अकोला के बसंती अस्पताल में ये डायलिसिस संयंत्र लगाया गया। हर 2 साल में वैश्विक कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल उत्कृष्टता प्रतियोगिता 2024 में लियोन फ्रांस में आयोजित की जाएगी। जिला कौशल विकास रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र के सहायक आयुक्त डीएल ठाकरे ने इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना हुनर दिखाने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। न्यू क्लॉथ मार्केट में बुर्खा पहनी महिलाओं ने एक महिला डॉक्टर का पीछा कर उसके पास से करीब 3.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात लूटने की घटना मंगलवार की दोपहर घटी। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी के आधार पर चोरी करने वाली महिलाओं की खोज शुरू है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र राज्य के संयुक्त तत्वावधान में चेन्नई में 21 से 24 फरवरी के बीच 14वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा के लिए अकोला टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के 4 खिलाड़ियों की 14 आयु गुट के लड़कों की टीम में चयन हुआ है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र के संपत्ति धारकों से 143 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूलना अभी बाकी है, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने को सिर्फ 1.25 माह का समय शेष है। मनपा की ओर से लगातार सील की कार्रवाई किए जाने पर भी वसूली में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। पिछले 24 दिनों में मनपा ने 6 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूल किया है, जबकि माह में कई बार यह आंकड़ा 10 करोड़ के पार होता रहा है। आगामी 27 फरवरी को शक्तिधाम सेवा समिति तथा आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के हाथों स्थानीय गीता नगर परिसर में निर्माणाधीन शक्तिधाम के गर्भगृह का शिलान्यास समारोह तथा गोरक्षण रोड परिसर में स्थित एकवीरा मैदान में महासत्संग भक्ति पर्व आयोजित किया है। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग इन दिनों मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन सवारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये सभी कार्यवाही उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे के आदेश पर की जा रही है। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।